सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी एक फेक नोटिस जो कि सब जगह जारी हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी सीटें डिक्रीज़ कर दी है क्योंकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। काफ़ी सारी रेलवे स्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है दोस्तों, ये भी मार्केट में न्यूज़ है और ये तो सच्ची न्यूज़ है। मगर इसके साथ ही ये न्यूज़ की एनटीपीसी की सीट है जो कि 35,227 सीटों को घटाकर 10,648 कर दिया गया है रेलवे का बर्डन कम करने के लिए, ये नोटिस मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। आइए जानते हैं इस नोटिस की पूरी सच्चाई कि क्या ये नोटिस सच है या फेक है। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक करेंगे कि क्या ये नोटिस सच है या झूठे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। आइए दोस्तों चलते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आरआरबी भोपाल की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करके रखी हुई है। यहाँ नीचे आएंगे आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं देखेगा, सिर्फ एक कल की डेट में जो नोटिस आया था एनटीपीसी पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम डेट के लिए नोटिस दिया गया था उसकी वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा कोई भी नोटिस आपका नहीं आया है सीट को कम करने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं CN1 2019 का एनटीपीसी का किसी भी तरह का कोई नया नोटिस यहाँ पर नहीं है, तो मतलब कि ये नोटिस किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। अब देखते हैं कि ये नोटिस क्या है और क्या इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये स्नैपशॉट ले रखा है मैंने नोटिस का जो कि काफ़ी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने फ़ोटो भेजी है। क्लियरली इसमें देखिए क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है दोस्तों, कभी भी बोर्ड्स नहीं होता। इसमें लिखा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट इंडियन रेलवे इज़ इम्प्रूविंग, जो इंडियन रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करता जा रहा है और वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है इंडियन रेलवे का IRCTC का। सो NTPC अपना बर्डन कम करने के लिए जो 2019 की वैकेंसी निकली है उनको 35,227 से 10,648 कर रहा है। इंडियन रेलवे अपने प्रोवाइड करता है सभी पैसेंजर को अच्छी फैसिलिटी। कभी भी अपने एम्प्लॉयमेंट नोटिस में कभी भी रेलवे ये बात नहीं लिखता है कि इंडियन रेलवे इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टू इट्स पैसेंजर। इसके अलावा डेट्स की काफ़ी सारी बात करें, ये एक डेट गलत पैटर्न में लिखी हुई है। चेयर पर्सन की अगर आप स्पेलिंग देखें तो दोस्तों ये चेयर पर्सन होता है ना कि पर्सन, और इसको अगर आप जूम करके देखेंगे दोस्तों क्लियरली देखिए ये जो इसने विंडो की वेबसाइट से बनाया हुआ है कि प्राइवेट विंडो गो टू सेटिंग टू एक्टिवेट विंडो, तो ये विंडो से बनाया हुआ है। इसके अलावा देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रिक्रूटमेंट और बोर्ड के बीच बोर्ड्स की स्पेलिंग लिख रखी है जो कि बोर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो ये गलती है। पैसेंजर्स की स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ भी पैसेंजर्स की स्पेलिंग में भी इसने गलती की है। प्राइवेटाइजेशन वाली जो पूरी लाइन है इसका फॉन्ट बिल्कुल अलग तरीके से है, तो काफ़ी सारी गलतियां हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोटिस पूरी तरह से फेक है, किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है इस नोटिस में। और रेलवे ने अगर एक बार एम्प्लॉयमेंट नोटिस दे दिया है तो वो अगर कोई बोर्ड अपनी एक दो सीट कम करता है या वहाँ से वो पूरा डिपार्टमेंट खाली करता है तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सीटें कम होगी, इतनी पूरी सीटें कभी भी रेलवे अपनी कम नहीं करेगा। तो निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह के इस नोटिस का समर्थन ना करें, ना ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं फालतू। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी किसी भी बात का डर ना रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।